ये हम लोग का लाइफ है, और लाइफ में दोनों चीजें होनी है, ये नेचर का नियम है, कभी दुख को कभी सुख। तो अभी हम लोग जैसे अंदर का भावना को अगर व्यक्त करना चाहे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि चलो आपसे तो रेगुलर जो सोचो कि कितना अच्छा लगता था कि सबका टाइम होता था, चलो भाई 12th क्लास का टाइमिंग है, लोग आए बैठे और बहुत अच्छा से खुशी खुशी हम लोग पढ़ाई कर लिया करते थे, लेकिन वो वाले दिन कभी जिंदगी में नहीं आए। देट इज बोल सकते हैं बहुत दुख, लेकिन अब इसके पीछे सुख की एक घड़ी है, अब उसको दिखाना होगा, अब उसको दिखाने के लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा। अब वो अभी का मेहनत क्या है, अब तो सब लोगों को ये लग रहा होगा कि हमको 12th में अच्छा करना है, आप भी सोच रहे हैं, आपका बगल वाला दोस्त भी सोच रहा है, पीछे जो बैठा हुआ वो भी सोच रहा है, सबका ये माइंड में कर रहा है, ये मान के चलो कि मेरे को क्या करना है, क्रॉस आउट होना है, 12th में अच्छा मार्क्स लाना है, सब कुछ अच्छा करना है। क्या जिस स्टेज पे तुम हो क्या वहां भीड़ नहीं है? उस भीड़ में तुमको आगे निकलना है। तो अब हम ऐसा आइडियाज भी बताने वाले हैं कि अभी अभी के टाइम में तुमको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि उस भीड़ को तुम आगे क्रॉस आओ। ऐसा नहीं है कि भीड़ में सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही पास करोगे, ऐसा नहीं। अब उस भीड़ में पास आउट करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कुछ आइडिया भी लगाना पड़ता है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप ये किराना दुकान खोल रखे हो, ये भी खोल रखा, पीछे वाले भी खोल रखा, लेकिन आप मार्केट में देखते हो कि किसी का चलता बहुत ज्यादा है और किसी का चलता बहुत कम है। व्हाट्स रीजन, रीजन क्या है? रीजन यहाँ ये है कि आप कुछ भी वहां पे कर रहे हैं, क्या वहां उसके सामान की जो दुकान है, दुकान की जो सामान है, क्या उसकी दुकान के सामान है दोनों में डिफरेंट रहती है? नहीं, सेम सामान है, सेम कुछ है, लेकिन किसी का सामान वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है। कारण क्या? क्योंकि वो कुछ ना कुछ आइडिया लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा रहा है। अब वो आइडिया कौन सा है, उसका दिमाग आगे चल रहा है, अब दिमाग को हमको भी आगे बढ़ाना होगा। अभी तक के मेरा ये मानना है कि अभी तक के आपने जितना कुछ भी पढ़ा